हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली हेल्ड एग्ज़ाम से ही लिए, ये रियल क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो आइडियल ड्यूरेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडियल टाइम ड्यूरेशन फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन इज़ 30 सेकेंड्स। हालांकि एग्ज़ाम में आपको रियल एग्ज़ाम में 40 सेकेंड का टाइम मिलता है, लेकिन आपको अपना जो टारगेट बनाना चाहिए वो 30 सेकेंड पर क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए, ये हैं नए पैटर्न के क्वेश्चंस, और ये अभी हाल ही में जो कंडक्ट हुआ था एसबीआई क्लर्क 2018 का एग्ज़ाम, मई जून में जो हुआ था, उसके ये रियल क्वेश्चंस हैं। और ये क्लर्क के क्वेश्चन हैं, तो बैंक क्लर्क में आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पैराजम्बर का एक क्वेश्चन है, और एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, इसको इन सारे सेंटेंसेस को, इन सारे पार्ट्स को, जैसे ये ए पाथ है, ठीक है, जैसे ये बी पाथ है, ये सी पाथ है, ये डी पाथ है, इन सारे पार्ट्स को आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में कनेक्ट करना है। इसमें जो बोल्ड पार्ट है वी गेव ऑल द, ये चेंज नहीं होगा, इसकी पोजीशन हमेशा फर्स्ट ही रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे आपके रियल एग्जाम में, वो यहाँ पर दिए रहेंगे, जिनको हम डायरेक्शंस बोलते हैं, यहाँ पर आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट, देखिए स्क्रैप्स क्या होता है, स्क्रैप्स का मतलब है कोई भी डिस्कार्डेड सामान, कोई भी जैसे रद्दी होती है, या कोई भी ऐसा फालतू सामान जिसको हम बेचना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप्स। तो वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट, अब दैट के बाद हम क्या लगाएंगे, वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट, दैट के साथ आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस पैटर्न होता है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप्स प्लूरल है, इसलिए इसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वी गेव ऑल द स्क्रैप्स, ठीक है। तो दैट क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और स्क्रैप्स के बारे में हम बता रहे हैं कि स्क्रैप्स क्या है, स्क्रैप को हम यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, स्क्रैप्स दैट वर रेडी, ठीक है, दैट वर रेडी टू थ्रो अवे, स्क्रैप्स दैट, इसके साथ आप ये लगा सकते हैं ये वाला, दैट वर रेडी, वो ऐसा स्क्रैप जो रेडी था, जो तैयार था, किस चीज़ के लिए तैयार था, दैट वर रेडी टू थ्रो अवे, जिसको फेंके जाने के लिए तैयार था, डिस्कार्ड किए जाने के लिए तैयार था। और टू द गीज, टू द गीज का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, या जो जो स्क्रैप कलेक्टर होते हैं, या जो इस तरह के सामान में डील करते हैं, उनको देना, ठीक है। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी टू थ्रो अवे टू द गीज, ये इसका कलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। अब इसका सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे, वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट, सबसे पहले आएगा ए, और उसके बाद आएगा आपका डी, दैट वर रेडी, ठीक है, तो ये आएगा डी, यानी ए डी इसमें फर्स्ट आएगा। अब ए डी के यहाँ पर एक ही कॉम्बिनेशन है, यदि ए डी ए डी के दो कॉम्बिनेशन होते तो आप फिर आगे भी पढ़ सकते थे सेंटेंस को। तो ये एक ट्रिक होती है, कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ सेंटेंस को सही करना। तो यहाँ पर चूंकि ए डी का एक ही कॉम्बिनेशन दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आई होप ये समझ में आया होगा, आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी एसबीआई क्लर्क का रियल क्वेश्चन है, डेबिट इज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग। अब देखिए, यहां पर हम बोल रहे हैं कि डेबिट जो है वो एक सनी मॉर्निंग में, एक सनी मॉर्निंग की सुबह स्ट्रॉल कर रहे थे, मतलब स्ट्रॉल का अर्थ होता है एम्बल करना, या आराम से घूमना कहीं पर, स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड। तो अक्रॉस वर्ड जो है ये सही है, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो अक्रॉस यहाँ पर सही है, अक्रॉस अ फील्ड यहाँ पर सही है, वन सनी मॉर्निंग। तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल और कोई कंटेक्चुअल एरर नहीं है, और इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, डेबिट इज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग। एक स्टोरी का पार्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति एक कहानी सुना रहा है, उसमें यह बोल रहा है डेबिट करेक्टर के बारे में कि डेबिट इज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड ऑन सनी मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस आपका सही है, और इसका आंसर होगा ई, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये एक नया सेंटेंस है, और इसको हम देखते हैं, क्रूजिंग इन द, देखिए क्रूज करना मतलब जैसे हम बोट पर जाते हैं या शिप पर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूजिंग। तो क्रूजिंग इन द, अब यहां पर एक ट्रिक देखिए, इन द मतलब क्रूज आप कर रहे थे, तो किस पर आप क्रूज कर रहे थे, शिप पर या बोट पर, तो यहाँ पर उस बोट का नाम आना चाहिए, ठीक है,
तो क्रूजिंग इन द, यहां पर देखिए इसके बाद ये आएगा ग्लास बॉटम्ड बोट। जब हम क्रूज कर रहे थे ग्लास बॉटम बोट पर तो वी कुड सी क्रूजिंग, यहां पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब दो काम एक साथ होते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। सेकेंड सेकेंड एक एक एक्शन में हम बोल रहे हैं वी कुड सी, हम देख सके या हम देख सकते थे, हम देख सकते थे किस समय, जिस समय हम क्रूज कर रहे थे। तो क्रूज करने का काम और देखने का काम, ये चूंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, बोथ द एक्शंस आर हैपनिंग टुगेदर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, यानी यहां पर आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, और बी के बाद आएगा ए, वी कुड सी क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम बोट वी कुड सी, यानी बी और ए का कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा वी कुड सी। अब वी कुड सी के बाद क्या आएगा, हम देख सकते थे, हम क्या देख सकते थे, वी कुड सी अ फिश ऑफ मैनी काइंड, वी कुड सी नहीं नहीं वी कुड सी मैनी काइंड ऑफ फिश, सॉरी वी कुड सी यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा वी कुड सी मैनी काइंड ऑफ फिश, यानी डी सी, यानी बी ए डी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम बोट वी कुड सी बी ए, हाँ बी ए सबसे पहले आएगा, तो बी ए डी सी इसका सही आंसर आपका होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं और ये भी रियल क्वेश्चन है और ये एसपीआई क्लर्क के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पीओ एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है और ये एक टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन है। टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि सेंटेंस काफ़ी लेंदी होते हैं लेकिन एरर जो होती है बहुत माइन्यूट होती है, बहुत छोटी सी एरर होती है, कभी आर्टिकल की कभी प्रपोजिशन की, तो उन सारी चीज़ों को देखना आपको ज़रूरी है। नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द डोनेशंस दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अकाउंटेड टू इन द बैलेंस शीट एंड डिटेल ऑफ द डोनर विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइल। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब अब के बाद से जितने भी डोनेशंस आएंगे, ऑल द डोनेशंस दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डोनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे, हमारे हमारी कंपनी में आएंगे, विल बी अकाउंटेड टू इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उनको उनको हम वहाँ पर उनको मेंशन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे उनको, ठीक है, वहाँ पर उनको जस्टिफाई करेंगे कि ये जो डोनेशन आया ये कहाँ से आया, किस पर्पज़ के लिए आया, और जो डोनर हैं उनकी भी हम एक सेपरेट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, एक मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम बोल रहे हैं कि डोनेशन को हम मेंशन करेंगे, तो डोनेशन को मेंशन करने के लिए जो सही फ्रेज है वो होता है अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड टू नहीं होता, टू जो है वो डेबिट और क्रेडिट के साथ आता है, डेबिटेड टू क्रेडिटेड टू, अकाउंटेड के साथ नहीं, अकाउंटेड के साथ फॉर आता है, अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड फॉर मतलब वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका पर्पस क्या है इस डोनेशन को, तो इसके लिए हम अकाउंटेड फॉर वर्ड का यूज करते हैं और बी पार्ट इसमें आपका गलत है। ठीक है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। सेंटेंस बहुत लेंदी है लेकिन जो गलती है वो बहुत माइन्यूट और छोटी सी गलती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इट सीम्स दैट ग्लोबल सेल्स ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो, ऐसा लगता है कि लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी की ग्लोबल सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो, ये बढ़ती रहेगी, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट। ठीक है, हालांकि इसका जो पेटेंट है होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका कंपनीज पेटेंट लेती हैं ताकि उस प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी कॉपी ना कर सके या बना सके, तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसका एक टाइम होता है, विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट although the company has been, देखिए कंपनी इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी, यहाँ पर हम कंपनी की बात कर रहे हैं और कंपनी ही सारा काम कर रही है, कंपनी ही यहाँ पर डूअर है, कंपनी डूअर है, इसका मतलब ये है कि कंपनी से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे और एक्टिव वॉइस में हैज बीन के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ट्राइड नहीं आएगा, हैज बीन हैव बीन इज एम आर वॉज वर, इनके साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है पैसिव वॉइस, लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये है एक्टिव वॉइस, क्योंकि कंपनी खुद काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड, कंपनी काफ़ी दिनों से कड़ी मेहनत कर रही है
किस लिए कड़ी मेहनत कर रही है? टू गेट इट्स पेटेंट रिन्यूड, अपने पेटेंट को रिन्यू कराने के लिए, ठीक है, टू गेट इट्स पेटेंट रिन्यूड, अपने पेटेंट को रिन्यू कराने के लिए। तो यहाँ पर हैज़ बीन के साथ हम क्या वर्ड लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। और ट्राइड जो लिखा है ये किस पार्ट में लिखा है? ये लिखा है डी पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरी कंट्री में, ठीक है, द प्राइस ऑफ स्पीसीज हैज़ फॉलन। प्राइस ऑफ स्पीसीज मतलब ये मेरे हिसाब से स्पाइसेस होना चाहिए, मसाले। द प्राइस ऑफ स्पाइसेस हैज़ फॉलन शार्पली, मतलब मसालों की जो दाम है, मसालों की जो प्राइस है वो गिर गए हैं। उसका रीज़न क्या है? एज द पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शस एंड प्रेफर माइल्ड फूड, क्योंकि लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शस हो गए हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक और अवेयर हो गए हैं और माइल्ड फूड को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस को देखें, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को, इसको ज़रा ध्यान से आप पढ़ें। ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स, ऑन हम कब लगाते हैं? यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि पिछले सप्ताहों के दौरान, लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन को इंडिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान ही तो इसकी प्राइस कम होगी। ऑन तो हम सरफेस के लिए बोलते हैं, किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखी है तो उसके लिए हम ऑन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ड्यूरिंग का सेंस चाहिए। तो ड्यूरिंग का सेंस आएगा यहाँ पर ओवर से, ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो ऑन के स्थान पर हम ओवर या ड्यूरिंग लगा सकते हैं। तो इसमें गलती क्या होगी? इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पूरा सेंटेंस काफ़ी लेंदी है, लेकिन जो मिस्टेक है वो बहुत माइन्यूट मिस्टेक है। और इस तरह के सेंटेंस दे आर टिपिकल ऑफ बैंकिंग, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, टिपिकल ऑफ बैंकिंग मतलब कि सेंटेंस काफ़ी लेंदी है, लेकिन उसमें जो एरर है वो बहुत माइन्यूट और बहुत सटल मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिपोर्ट सेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड टू इंक्रीज, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डायरेक्ट किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है। आर के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसे वॉइस होता है, आर डायरेक्टेड, ठीक है, इज डायरेक्टेड, ये पैसे वॉइस है। आर डायरेक्टेड मतलब उनको डायरेक्ट किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड मतलब उनको डायरेक्ट किया गया है। डायरेक्ट किस लिए किया गया है? टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। उनको इस चीज़ के लिए डायरेक्ट किया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दें, ताकि वो कंट्रोल कर सकें किस चीज़ को? सप्लाई ऑफ मनी को। और सप्लाई ऑफ मनी कहाँ पर होती है? मार्केट और इकोनॉमी में सप्लाई होती है। तो यहाँ पर फिर से वही सेम मिस्टेक है, सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट एंड इकोनॉमी। अब देखिए ये भी सेम सेंटेंस है, और ये रियल सेंटेंस सारे हम कर रहे हैं, इसमें भी प्रपोजिशन की मिस्टेक है, और प्रीवियस जो सेंटेंस हमने देखा था इसमें भी प्रपोजिशन की मिस्टेक थी, ठीक है। इस सेंटेंस में टेंस की मिस्टेक थी। तो आप ये मान सकते हैं कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, अप्लाइड ग्रामर के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर होने चाहिए बैंकिंग एग्जाम निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। डी पार्ट में गलती है और डी दिया है बी में, इसलिए आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट ब्लैंक एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी। देखिए इसमें फिर से गलती आ गई, इसमें फिर से पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर आप देखिए दैट द नेम ऑफ फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी, मतलब यहाँ पर विल बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो नेम ऑफ फादर है, स्पाउस है या लीगल गार्जियन है, उसका जो नाम है वो लास्ट पेज पर प्रिंट नहीं किया जाएगा। प्रिंट नहीं किया जाएगा मतलब यहाँ पर करने वाला कोई व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट का आखिरी पेज, विल बी लेफ्ट ब्लैंक, उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, विल बी लेफ्ट ब्लैंक,
विल बी लेफ्ट ब्लैंक, मतलब इसको खाली छोड़ दिया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, या तो पासपोर्ट ओनर के द्वारा या जो इशू करेगा इसको, विल बी लेफ्ट ब्लैंक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ फादर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिसाइड किया है कि फादर का नेम, स्पाउस का नेम और लीगल गार्जियन का नेम विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट पर आखिरी पेज उसका खाली छोड़ दिया जाएगा क्योंकि लास्ट पेज पर फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन का नाम नहीं आएगा। द नेम ऑफ फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड, मतलब इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो यहाँ पर फिर से एक पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, पैसिव वॉइस और प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर प्रिंटिंग के स्थान पर प्रिंटेड आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि विल बी के बाद यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, डी, इसमें आपका डी पार्ट मिरर है और डी पार्ट दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही आंसर आपका होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो क्लासेस इस कोर्स में आपको आपको मिलते हैं, तो उनको आप देखिए, उनके थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फीडबैक के थ्रू, मेल के थ्रू आप बताइए, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए, काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं। यहाँ फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट देखिए आ गया। ऑफिशियल सेट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति दो काम एक साथ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सीरीज काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए ऑफिशियल ने कहा, मतलब ऑफिशियल ने कहा किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए, ठीक है। ही इज सेइंग समथिंग वाइल ही इज रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो, तो रिस्पॉन्डिंग और सेइंग ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने यूज़ किया है। रिस्पॉन्डिंग टू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा, ऑफिशियल सेड, उन्होंने क्या कहा वो आगे लिखा है दैट के बाद, दैट इंडियन मोटरसाइकिल दैट आर इम्पोर्टेड इन द US डू नॉट हैव एनी टैरिफ ऑन देम, मतलब इंडियन मोटरसाइकिल जिनको इम्पोर्ट किया जाता है US के अंदर, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगता है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर चूंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है इसलिए इम्पोर्टेड के बाद हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। देखिए इसमें फिर से प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है, तो प्रपोजिशन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम से, पर्टिकुलरली बैंक क्लर्क एग्जाम में, तो सी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। फिक्स ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इन लगाते हैं और मूवमेंट जब होता है तो उसके लिए हम इनटू लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विद द समर हॉलीडेज राउंड द एरिया वन ऑफ द थिंग्स दैट पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब ढूंढना, और यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में हम ये बोल रहे हैं विद द समर हॉलीडे राउंड द एरिया, मतलब चूंकि समर हॉलीडे जो हैं वो पास में हैं, आने वाले हैं, इसलिए वन ऑफ द थिंग्स मतलब एक ऐसी चीज जो पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहे हैं, इज द स्पेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस वेयर दे कैन टेक देयर चिल्ड्रन फॉर हॉलीडेज, मतलब जहां पर वो अपने बच्चों को हॉलीडे के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई चीज जब नजदीक होती है या पास में होती है तो उसके लिए जो फ्रेज है वो है राउंड द कॉर्नर। जैसे यदि मैं बोलूं कि दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, तो इसका मतलब है कि दिवाली आने वाली है, पास में ही है, तो राउंड द एरिया नहीं होता, ये राउंड द कॉर्नर होता है, ठीक है। तो यहां पर एक फ्रेज और इडियम रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया, और ए पार्ट इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हेल्प यू सेव टैक्स फॉर द करेंट ईयर, मतलब जो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे LIC की पॉलिसी होती है, FD होता है या PPF होता है, इनसे टैक्स में, टैक्स को बचत करने में मदद मिलती है, ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हेल्प यू सेव टैक्स फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर में उससे सेव टैक्स में मदद मिलती है, द इंटरेस्ट इनकम बिकम्स अ टैक्स लाइबिलिटी। द इंटरेस्ट इनकम सिंगुलर है तो इसलिए बिकम्स सही है,
इंटरेस्ट इनकम जो होती है उसकी, टैक्स में तो छूट मिल जाती है लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट होगा, जैसे सपोज आपने LIC की पॉलिसी की और LIC की पॉलिसी में आपका टैक्स तो बच गया लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर टैक्स लग सकता है, तो इंटरेस्ट बिकम्स अ टैक्स लाइबिलिटी। जो इसका इंटरेस्ट आता है वो टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है ईच ईयर, हर साल टू द एंड ऑफ द टेन्यूर। यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस की बात कर रहे हैं या हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? टू एक्चुअली प्लेस के लिए आता है, जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, लेकिन यहाँ पर प्लेस की बात नहीं हो रही है। ईच ईयर यहाँ पर हम लगाएंगे ईच ईयर टिल द एंड ऑफ द टेन्यूर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखिए प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट, आपको ये ग्रामर भी है वैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टिल क्या होता है या टू क्या होता है, ठीक है। टू हम टाइम के लिए लगाते, टू हम प्लेस के लिए लगाते हैं, टिल हम टाइम के लिए लगाते हैं कि समय तक। ईच ईयर टिल द एंड ऑफ द टेन्यूर, टेन्यूर के खत्म होने तक, टेन्यूर के खत्म होने तक जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो एक लाइबिलिटी बन जाती है हर साल, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर होगा आपका डी। आई होप कि अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, और इस तरह के सेंटेंस आपसे क्लर्क एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि PO एग्जाम में थोड़े से इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनकी भी आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, इट इज क्लियर दैट ही इज गोइंग टू बेयर अवे द पाम इन दिस कॉन्टेस्ट। बेयर अवे द पाम का क्या मतलब है? अब यहाँ पर इस idiom को पढ़ के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका मतलब क्या निकल सकता है, इसलिए idioms की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। और बेयर अवे द पाम, बेयर अवे द पाम का अर्थ होता है जीतना, किसी कॉन्टेस्ट में जीतना, ठीक है। बेयर अवे द पाम ये आया कहाँ से है? एक्चुअली पाम ट्री होता है, और एंशियंट टाइम में जब जैसे बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे, तो उसमें जो जो एक विजेता होता था, जो जीतने वाले व्यक्ति, जीतने वाला जो व्यक्ति होता था, वो हर बैटल के बाद अपने सिर में एक पाम का लीफ या पाम का पत्ता लगा लेता था, उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए कि वो विजेता है, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, यहाँ से ये आया है idiom टू बेयर अवे द पाम, और इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी विन। द रिपोर्ट डज नॉट मीन्स वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एट ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस मतलब नॉनसेंसिकल, समथिंग दैट इज नॉनसेंसिकल। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट जो है वो मीन्स वर्ड को नहीं करती। इफ यू डू नॉट मीन्स वर्ड्स यू से एनीथिंग डायरेक्टली, इफ यू मीन्स वर्ड यू से इट इन द राउंड अबाउट वे और इनडायरेक्ट वे, और यू कैन से इन द वेग वे। तो मीन्सिंग वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इनडायरेक्ट तरीके से या वेग तरीके से कहना, लेकिन यहाँ पर चूंकि लगाया है डज नॉट मीन्स वर्ड, तो डज नॉट मीन्स वर्ड का मतलब होगा कि से डायरेक्टली, ठीक है। तो ए इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ही हैज डेवलप्ड अ बैड हैबिट टू डिडल एवरीवन। डिडल क्या होता है? डिडल का अर्थ होता है, यहां पर आपसे डिडल का मीनिंग पूछा जा रहा है, डिडल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को डिसीव करना, धोखा देना, ठीक है। इस सेंस में धोखा देना कि उसके पास जो बिलोंगिंग्स हैं उसका सामान ले लेना, या उसका उसके सामान को ट्रिक करना, उस सेंस में डिडल वर्ड का हम यूज करते हैं। प्रैंक का अर्थ होता है, जैसे 1 अप्रैल को हम प्रैंक खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। रिडिक्यूल यानी हंसी उड़ाना या मौकरी करना, इरिटेट चढ़ाना, एनॉय नाराज करना या चढ़ाना, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डिसीव। और इसके लिए एक वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको, स्विंडल। स्विंडल एक वर्ड होता है, SWINDLE, ठीक है। स्विंडल का अर्थ भी होता है यही डिसीव, और इसका नाउन फॉर्म होगा डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी धोखा। आगे चलते हैं। फिल फॉन्टेन एंड जेन स्टीलवर्थ्स गैदरिंग स्ट्रेंथ इनिशिएटिव बिगेन टू। देखिए, इनकी किसी गैदरिंग का बात हो रही है यहाँ पर, और किसी प्रोग्राम की बात हो रही है, और ये चीज़ जो है ये बिदर होना शुरू हो गई है। तो बिदर का क्या मतलब है? बिदर का अर्थ होता है किसी चीज़ का जो ट्रेंड है, जो इंटेंसिटी है, उसका कमज़ोर पड़ जाना,
ठीक है, फी का पड़ जाना, तो इसके लिए विदर का अर्थ होगा यहां पर फेड। ठीक है, एक वर्ड और होता है डिदर, DITHER, डिदर का अर्थ होता हैजिटेट करना, डिदर। विदर का अर्थ होता है डिटेरियोरेट करना। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, विदर का अर्थ होता है डेटेरियोरेट या फेड, और डिदर का अर्थ होता है हेजिटेट, और डिदर का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसाइड। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इसमें हेजिटेट वर्ड भी दिया है, फेड इसमें सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ यू गेट सिलेक्टेड इन बैंक पीओ एग्जाम, माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विल बी पेड ऑफ। इसमें ऐसा लगता है कि एक फादर शायद अपने बच्चे से बोल रहा है, अपने बेटे से बोल रहा है कि यदि आप बैंक पीओ में सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेरे जो एफर्ट्स और हार्ड वर्क है वो वसूल हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो पेड ऑफ का मतलब होता है कीमत वसूल हो जाना, आपने जो हार्डवर्क किया है उसकी कीमत वसूल हो जाना या उसमें सफलता मिल जाना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सक्सीड। ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत देना किसी व्यक्ति को। देखिए, ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो इस समय पूछे जा रहे हैं बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम में। इसमें कॉलम ए में ये तीन सेंटेंस दिए हैं, कॉलम बी में ये तीन सेंटेंस दिए हैं। तो यहाँ से इससे जैसे ए को डी से या ए को ई से मिला के कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, और जो सही कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर यहाँ से बनेगा। मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपका आंसर डिसाइड करेगा यहाँ पर। दोज हु लिव अ हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल शुड इंडल्ज वंस इन अ वाइल। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हाई स्ट्रेस लाइफ जीते हैं उनको करना चाहिए। तो इसके साथ ये वाला सेंटेंस जुड़ सकता है, क्योंकि इसके साथ ये वाला और ये वाला सेंटेंस नहीं जुड़ेगा, ये सेंटेंस जुड़ सकता है, शुड इंडल्ज वंस इन ए वाइल। लेकिन इंडल्ज का क्या मतलब है? इंडल्ज का मतलब है कि किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, किसी चीज के मजे लेना, किसी चीज के मजे लूटना, उसको हम बोलते हैं इंडल्ज। लेकिन इंडल्ज के बाद यहाँ पर इंडल्ज इन वॉट, इंडल्ज इन समथिंग। ठीक है, तो इंडल्ज इन वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है एक्चुअली सेंटेंस में, तो इसलिए इंडल्ज इन होना चाहिए। वैसे इंडल्ज का अर्थ पैम्पर भी होता है, अपने किसी व्यक्ति को पैम्पर करना, उसको लाड़ प्यार करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है कि जो हाई स्ट्रेस लाइफ जीते हैं उनको अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए, लेकिन इंडल्ज किस चीज़ में इंडल्ज करना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं दी है, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसका देखते हैं, हिज ओवर बेयरिंग नेचर इज ऑफन वॉट मेक्स पीपल हैप्पी। इसका इससे जुड़ सकता है सेंटेंस, मतलब उसका जो ओवरबेयर नेचर है, ओवर बेयरिंग जो नेचर है, ओवर बेयरिंग मतलब डोमिनेटिंग नेचर है, बॉसी टाइप का नेचर है। वॉट मेक्स पीपल हैप्पी, ओवर बेयरिंग जो नेचर होता है उससे किसी आदमी को कोई खुशी नहीं होती, वो अच्छा नेचर नहीं माना जाता है। तो कॉन्टेक्चुअली ये सेंटेंस सही नहीं बन सकता, यानी बी और डी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। और यहाँ से देखते हैं, शी वॉज रिडिक्यूल्ड वेन सी स्पोक हर माइंड। उसकी हंसी उड़ाई गई जब उसने अपनी बात को सही तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोला। यानी सी और ई, इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बन रहा है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कॉन्टेक्चुअली भी और मीनिंगफुली भी और ग्रामेटिकली भी। तो सी और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सी और ई इसमें दिए हैं, सी और ई, तो इसमें आंसर होगा आपका बी। एक सेंटेंस और देखते हैं आगे का, ये सारे रियल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ही गॉट फायर्ड ओनली आफ्टर ए वीक एज दे फाउंड आउट ही वॉज कटिंग कॉर्नर्स। ठीक है, कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है कि पैसा बचाने के लिए जल्दी जल्दी काम करना या क्वालिटी वर्क नहीं करना। तो यहाँ से सेंस तो बन रहा है इसका ए और एफ का, लेकिन ए और एफ का कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं दिया है, तो इसका नहीं बनेगा। यहाँ से देखते हैं, ही वोर ऑल ब्लैक बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी इनकन्स्पिकुअस। मतलब उसने सारे कपड़े काले पहने हुए थे क्योंकि वो इनकन्स्पिकुअस देखना चाहता था, मतलब वो नोटिस में नहीं आना चाहता था। तो ये सेंटेंस तो सही है, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, लेकिन बी और ई का कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। ऑल्दो शी हैड हर्ड र्यूमर्स गिव हिम, नहीं, यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीस। आगे देखते हैं, एज द ड्यू डेट अप्रोच्ड ही फेल्ट दैट ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। एक्चुअली ये एक फ्रेज है, ये एक एटीएम है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना। ठीक है, अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करना। तो यहाँ पर ही हेड आ गया, यहाँ पर भी ही हेड आ गया है, तो इसका सेंस नहीं बनेगा इसमें। आगे देखते हैं, शी नेवर स्पेंट हर अलाउंस एज शी वॉज सेविंग फॉर अ रेनी डे। ये सही है,
इसका मतलब ये है कि उसने अपना जो अलाउंस है वो कभी खर्च नहीं किया, उसको जो अलाउंस या इंसेंटिव मिलते थे उसको कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि वो रेनी डे के लिए पैसा बचा रही थी। रेनी डे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुश्किल समय के लिए। तो यहाँ पर आपका बी और एफ इसमें सही है, बी और एफ इसमें दिया भी है, बी इसमें आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से मैंने करीब 19 क्वेश्चन नए पैटर्न के इसमें कराए हैं, और ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं। बैंक क्लर्क एग्जाम के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ बैंक पीओ एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मास्टर करना आपके लिए जरूरी है, और नए पैटर्न के क्वेश्चंस को यदि आप मास्टर कर लेते हैं तो इंग्लिश सेक्शन को आप आसानी से निकाल सकते हैं प्री और मेंस एग्जाम में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी क्वेरी है, तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं, और यहाँ पर मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप के नंबर भी दिए हैं, तो उनके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।